नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ के एक्ट नंबर 1 लेक्चर नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग MRTU एंड पल्प एक्ट 1971 इसका सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 1 विच इज इलीगल स्ट्राइक इस लेक्चर को कवर करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 2 विच इज इलीगल लॉकआउट इस सेक्शन को कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे इलीगल स्ट्राइक के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिए, स्ट्राइक जो है वो वर्कमैन द्वारा किया जाता है और लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है, और दोनों का एक ही मतलब है, टेम्पररीली काम बंद करना। अगर वो वर्कमैन द्वारा किया जाता है तो उसे स्ट्राइक कहा जाता है, और अगर मालिक उसको का मतलब टेम्पररीली काम बंद करता है तो उस चीज को कहा जाता है लॉकआउट। फिलहाल हम लोग स्ट्राइक के बारे में बात करेंगे। आपको एग्जाम में लिखना है, स्ट्राइक इज अ वेपन यूज्ड बाय द वर्कमैन एज द लास्ट रिजॉर्ट इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्राइक लाइज इन सीसेशन ऑफ द वर्क एज नो वर्कमैन रिज्यूम्स द वर्क विच लीड्स टू द एम्प्लॉयर ऑन द टेबल टू डिस्कस द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर रिज्यूमिंग द वर्क। एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन स्ट्राइक आर इन स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज धरना, घेराव और चक्का जाम। द सेकेंड स्टेज इज टू गो स्लो। थर्ड स्टेज इज टेम्पररी रिफ्यूजल टू कैरी ऑन द वर्क। फोर्थ स्टेज इज सीसेशन ऑफ द वर्क। एक चीज ध्यान में रखिए, कोई भी अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होता है उसमें काम करने वाले लोगों को कहा जाता है एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज या फिर वर्कर्स। वर्कर लोगों की कुछ डिमांड्स होती है जो वो लोग क्या करते हैं, वो मालिक के पास लेके जाते हैं। मालिक को इंग्लिश में कहा जाता है एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर का काम होता है कम से कम मांगों को पूरी करना, और एम्प्लॉयज को ज़्यादा से ज़्यादा मांगों को यानी डिमांड्स को पूरा करवाना है। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको ब्रिज करने का काम करती है ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस इस पूरे कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसीजर को फैसिलिटेट करते हैं। ट्रेड यूनियन अगर चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा मांग या फिर कम से कम मांग पूरी करवा सकते हैं। तो बेसिकली इस कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसीजर अगर फेल हो जाए तो वर्कर लोगों के पास एक आखिरी हथियार है जिसका नाम है स्ट्राइक। आपने बॉलीवुड फिल्मों में सुना होगा हमारी मांगे पूरी करो, तो इन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए वर्कर लोग स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हैं। सो स्ट्राइक की बेसिक स्ट्रेंथ यही होती है कि वर्कर लोगों के बिना मालिक काम नहीं कर सकता, और लेबर लॉस की वजह से इन वर्कर्स को पूरी तरह से हटाकर टेम्पररी वर्कर को मालिक नहीं बुला सकता। यहां पर लेबर लॉस काम करते हैं। सो वर्कर लोगों के पास यही हथियार होता है कि हम अगर काम करना बंद कर दें तो मालिक की फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। तो स्ट्राइक की अलग अलग स्टेजेस हैं जो लेबर लॉस में बताई गई हैं। सबसे पहली स्टेज है धरना, घेराव या फिर चक्का जाम। यहां पर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, घेराव करते हैं, चक्का जाम करते हैं। ये बेसिकली 1 से 2 दिनों का टाइम होता है, विच इज अ वेरी शॉर्ट टाइम। यहां पर अगर मालिक अपनी उनकी मांगों को पूरी करने से मना करता है तो वो अगली स्टेज पर जाते हैं जिसका टाइटल है गो स्लो, यानी जो भी काम वर्कर लोग कर रहे हैं उसको धीमे गति से करना। तीसरी स्टेज को मतलब यहां पर भी अगर मालिक उनकी मांगों को पूरी करने से मना करता है तो तीसरी स्टेज पर है टेम्पररी रिफ्यूजल टू कैरी ऑन द वर्क, यानी 1 हफ्ता काम बंद या फिर 4 दिन काम बंद। यहां पर टेम्पररी रिफ्यूजल है टू कैरी ऑन द वर्क। और यहां पर भी अगर वर्कर लोगों की मांग पूरी करने से मालिक मना करता है तो देयर इज 4th स्टेज कंप्लीट सीसेशन ऑफ वर्क, यानी तालेबंदी जिसको मराठी में कहा जाता है, यानी पूरी तरह से क्लोजर ऑफ वर्क, कोई वर्कर काम नहीं करेगा, काम बंद। तो ये 4 स्टेजेस है स्ट्राइक की, ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। और आगे चलकर आपको स्ट्राइक का डेफिनेशन भी बताना होगा। ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं। अगर आपको इलीगल स्ट्राइक 5 मार्क्स के लिए पूछा गया और आपने सिर्फ इलीगल स्ट्राइक का डेफिनेशन बता दिया एज पर MRTU एक्ट, तो आपको 5 में से 2.5 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने पूरा डेफिनेशन सही लिखा है तो भी। आपको यहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो स्ट्राइक का डेफिनेशन है उसको भी लिखना होगा। तो यहां पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, आगे हम लोग जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट देखेंगे तो इस डेफिनेशन को हम लोग डिटेल में समझेंगे। सो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन क्यू एंड सबसेक्शन एस गिव द डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक। यहां पर मैं आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स बताता हूं। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ स्ट्राइक इज देयर मस्ट बी सीसेशन ऑफ वर्क, काम बंद होना चाहिए। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज द सीसेशन ऑफ वर्क मस्ट बी डन बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री। कोई भी जो स्ट्राइक है वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में एम्प्लॉय किए गए लोगों द्वारा किया जाना चाहिए, यानी वर्कर लोगों द्वारा स्ट्राइक किया जाना चाहिए।
थर्ड इंग्रेडिएंट इज द स्ट्राइकर्स मस्ट हैव बीन एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन। कोई भी धरना प्रदर्शन बहुत सारे लोगों द्वारा किया जाना चाहिए एक्टिंग एज अ कॉम्बिनेशन। फोर्थ इंग्रेडिएंट है द स्ट्राइकर्स मस्ट बी वर्किंग इन एनी एस्टेब्लिशमेंट विच कैन बी कॉल्ड एज इंडस्ट्री विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन जे ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। सो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन जे ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यहां पर इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है। तो अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज है, उनमें से कोई एक इंडस्ट्री होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड द सीसेशन ऑफ वर्क एज अ स्ट्राइक, ये इसका मतलब है। पांचवा है देयर मस्ट बी अ कंसर्टेड रिफ्यूजल, यानी जो पूरा रिफ्यूजल है वो सारे लोगों द्वारा एक मत से होना चाहिए, यानी सारे वर्कर्स एक साथ कहेंगे कि काम बंद। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग काम बंद की घोषणा देंगे, लेकिन काम बंद इस ठहराव में सभी लोगों का समर्थन चाहिए। सिक्स्थ इंग्रेडिएंट इज द रिफ्यूजल अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये बेसिकली उसी का सेम ट्रांसलेशन है। सेवेंथ इंग्रेडिएंट इज दे मस्ट स्टॉप वर्क फॉर सम डिमांड्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द कंडीशंस ऑफ लेबर ऑफ द वर्कमैन। जो भी डिमांड्स होंगी वो वर्क से रिलेटेड होनी चाहिए या फिर उनकी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड होनी चाहिए। कोई इररिलेवेंट डिमांड नहीं चलेगी, अगर कोई इररिलेवेंट डिमांड होगी तो कोर्ट में अगर मामला गया तो उनको खारिज किया जाएगा। ये बेसिकली स्ट्राइक के जो डेफिनेशन है उसके इंग्रेडिएंट्स थे एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अभी हम लोग एक्चुअल इलीगल स्ट्राइक की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेफिनेशन है, आप चाहिए तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको पहले सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ और बाद में हम लोग इस डेफिनेशन को समझेंगे अगर आप आखिर तक रहे तो। सबसे पहले हम लोग इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। सो एज पर सेक्शन 24 सबसेक्शन 1, अ स्ट्राइक इज डीम्ड टू बी एज इलीगल इफ इट इज डन विथ नो 14 डेज नोटिस। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज विदाउट ऑब्टेनिंग द मेजॉरिटी वोट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन। थर्ड इंग्रेडिएंट इज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग। फोर्थ इंग्रेडिएंट इज ड्यूरिंग द कोर्ट सबमिशन एंड पेंडेंसी ऑफ द मैटर अंडर सेक्शन 66 ऑफ द बॉम्बे इंडस्ट्रियल एक्ट 1946। फिफ्थ इंग्रेडिएंट इज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स अंडर लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स अंडर आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ड्यूरिंग द कोर्ट सबमिशन एंड पेंडेंसी ऑफ द मैटर अंडर सेक्शन 72, 73 एंड 73A ऑफ द बॉम्बे इंडस्ट्रियल एक्ट 1946, अ स्ट्राइक इज डीम्ड एज इलीगल इफ इट इज डन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एडजुडिकेशन अंडर द मैटर्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड इफ द स्ट्राइक इज डन ड्यूरिंग द सेटलमेंट ऑफ अवार्ड विच इज गिवन बाय द कोर्ट। तो ये बेसिकली 9 इंग्रेडिएंट्स है ऑफ द इलीगल स्ट्राइक। यानी कोई भी अगर एक स्ट्राइक इलीगल माना जाएगा अगर लोगों ने, मतलब जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है उसके मेंबर्स ने 14 दिन का नोटिस एम्प्लॉयर को नहीं दिया एंड द नोटिस शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। अगर प्रॉपर फॉर्मेट पे 14 डेज का नोटिस नहीं दिया तो उस स्ट्राइक को इलीगल माना जाएगा। अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है तो वहां पर बहुमत का प्रस्ताव लिए बगैर कोई स्ट्राइक किया गया, यूनिलैटरली लिया गया, तो उस स्ट्राइक को इलीगल माना जाएगा। अगर कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स द्वारा कोई स्ट्राइक, मतलब कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई स्ट्राइक किया गया तो उसे इलीगल माना जाएगा। बेसिकली यहां पर आपको एक, मतलब इंग्रेडिएंट नंबर सी से यहां पर आपको एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलेगा। सो देयर आर टू प्रोसीजर, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन, दोनों अलग अलग प्रोसीजर है और दोनों के अलग अलग चीज़ें होती है। अगर आपने मेरा लास्ट ईयर का लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन के बीच का डिफरेंस अच्छे से पता चलेगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले साल का पॉलिटिकल साइंस वाला लेक्चर या फिर लीगल लैंग्वेज वाला लेक्चर देख लेना। सो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स के दौरान या फिर उनका डिसीजन आने के 7 दिनों के भीतर आप लोगों ने कोई स्ट्राइक किया तो उसे इलीगल स्ट्राइक माना जाएगा। यहां पर आपको आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स अलग अलग कोर्ट द्वारा सेपरेटली दिया गया है। यानी अगर आर्बिट्रेशन इंडस्ट्रियल कोर्ट द्वारा होगा तो उसे अलग सेक्शन में रखा गया है। आर्बिट्रेशन अगर
लेबर कोड द्वारा किया गया, तो उसे भी अलग सेक्शन में लिखा गया है। तो इस वजह से ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो सेक्शन नंबर 24 है, सब सेक्शन 1 है, यहाँ पर मैंने जो बेयर एक्ट में दिया है उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया है, थोड़ा अल्टरेशन मैंने किया है टू बी सूटेड इन दिस लेक्चर। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इस चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से स्टडी करना है और अपने ओन वर्ड्स में आपको एग्जाम में लिखना होगा ताकि आपको आसानी हो। सो फोर्थ इंग्रेडिएंट इज ड्यूरिंग द सबमिशन एंड पेंडेंसी ऑफ द मैटर्स ऑफ सेक्शन 66 ऑफ बॉम्बे इंडस्ट्रियल एक्ट 1946। अगर कोर्ट में कोई भी मैटर होगा, आर्बिट्रेटर के पास कोई मैटर होगा, कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स में कोई भी मैटर होगा, उसके दौरान या फिर उसका डिसीजन आने से पहले आप लोग कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने ये स्ट्राइक किया तो उसे इल्लीगल माना जाएगा, ऐसा सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 1 ऑफ द MRTU एंड पल्प एक्ट कहता है। और कोर्ट के सेटलमेंट या फिर अवार्ड होने से पहले अगर आपने कोई स्ट्राइक या फिर लॉकआउट किया तो उसे इल्लीगल माना जाएगा, ये भी ये पूरा सेक्शन कहता है। अभी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 1 यहाँ का ABCD, इस सेक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, अभी आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर आपका लेक्चर ख़त्म होता है। यहाँ पर मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेक्शन है, इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड अंटिल दिस। अगर आप लोग यहाँ तक बने हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए गूगल पे पर डोनेट करके। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।